नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है, देखो क्या है। द वैल्यूज ऑफ टू रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस दिया, द परसेंटेज एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और नीट का पूछा गया क्वेश्चन है। अगर सीरीज में देता तब तो आर वन प्लस आर टू करते, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, आसान बात थी। अभी क्या है कि पैरेलल है, तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला थोड़ा सा अटपटा बन जाता है, आर वन आर टू अपॉन कितना, आर वन प्लस आर टू। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, बोलो होगा कि नहीं। अब चलते हैं भाई लोग, अब परसेंटेज एरर की ओर आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना परसेंटेज एरर। अब डी आर वन अपॉन आर वन इंटू क्या हो जाएगा, 100, मल्टीप्लाई है मगर एरर जुड़ती है, तो कितना होगा, डी आर टू अपॉन आर टू। बच्चों थोड़ा सा काम तुम्हें भी करना है, ठीक है, एक चीज जान लो कि जब तक आप जीना नहीं चाहोगे ना, तो कोई आपको जिंदा नहीं कर सकता। ठीक, एक मरे हुए को भी जिंदा किया जा सकता है, बट उसके अंदर जीने की आस हो, और जो आदमी जिंदा हो, जिसको जीना ही नहीं, उसको जिंदा नहीं किया जा सकता। ठीक, तो इतना याद रख लो, मैं तुमको तरीका बता सकता हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा सकता हूँ, मगर करना तो एग्जाम में आप ही को है ना, तो ये भी ध्यान में रखना आपको। ये देखिए क्या दिया है, डी आर वन दिया है और ये कितना आर वन, तो रख दो वैल्यू, वैल्यूज पुट करनी है। ठीक, हो गया इंटू 100। अब देखो ये कितना दिया है, डी आर टू दिया और ये कितना आर टू है, डी आर टू कितना 0.2 और आर टू कितना है 10 और इंटू 100। अब डी आर वन रखिए 0.3, डी आर टू रखिए 0.2 और नीचे कितना है, सॉरी 6 प्लस 10, और मल्टीप्लाई में कितना 100। अब इसको सॉल्व करना भी बहुत बड़ा इशू नहीं, 30 हो जाएगा, 6 से काटोगे 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये 20 हो जाएगा, 10 से काटोगे तो कितना हो जाएगा। बच्चो अगर इसको आप पूरा सॉल्व करोगे, जब इसको पूरा सॉल्व करोगे 100 मल्टीप्लाई करा के, तो ये कुछ 0.1025 आएगा। ठीक, कितना आएगा, 0.1025, और आपको ये 100 मल्टीप्लाई भी कराना है, तो आप जब मल्टीप्लाई कराओगे तो सी आंसर आ जाएगा 10.125। तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट।